वित्तीय संकट का सामना कर रहे रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की अवहेलना का पाया दोषी। एरिक्सन इंडिया की तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 453 करोड़ रुपए देने का दिया आदेश। 4 हफ्ते का मिला वक्त, तय वक्त पर नहीं चुकाई गई रकम तो अनिल अंबानी समेत दोनों डायरेक्टर्स को हो जाएगी। पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में है गुस्सा। इसी बीच देश के प्रति कश्मीरी युवकों में दिखा देशभक्ति का जज्बा। पुलवामा हमले के बाद सेना के 111 पोस्ट के लिए पहुंचे 2500 कश्मीरी युवा। सेना में भर्ती होने आए कश्मीरी युवक ने कहा, देश की सेवा करने का मौका मिलेगा और क्या चाहिए। चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र का बड़ा तोहफा, 3% बढ़ा महंगाई भत्ता। सरकार ने NCR में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए दिल्ली और मेरठ के बीच में RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और कंपनी एक्ट में बदलाव वाले अध्यादेश को भी दी मंजूरी। सऊदी के क्राउन प्रिंस सलमान पाकिस्तान के बाद पहुंचे भारत, प्रिंस का हुआ औपचारिक स्वागत। मोदी से भी मिलेंगे, हो सकते हैं 5 समझौते। भारत पाक रिश्तों पर बोले सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान, दोनों देशों के हितों के लिए बेहतर संबंध जरूरी। और पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में अलग निगाह से देखे जा रहे हैं कश्मीरी। देहरादून से कश्मीरी छात्र छात्राओं को वापस ले गए पीडीपी सांसद, पीडीपी विधायक एजाज अहमद मीर का बयान, सोशल मीडिया से खराब हो रहे हैं हालात। कश्मीर का एक बच्चा गलत हो सकता है, सभी नहीं। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।